भाई वापस से स्वागत है आप सभी का मेरी एक और वीडियो में। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरी लॉबी में आ चुके हैं वी बैज वाले यूट्यूबर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे ऋतिक स्टार है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो पहली नज़र में ऐसा लगा कि ये कोई डुप्लीकेट है, आजकल ऐसे ही घूमते हैं, मतलब नाम चेंज कर देते हैं डुप्लीकेट, तो मेरे को लगा डुप्लीकेट है। तो हम उतर गए पीक पे एज यूजुअल, जैसे रश करके मैं खेलता हूँ मैं उतर गया पीक पे। पीक पे उतरने के बाद मुझे मिल गई प्लाज्मा और ऑग, तो मैंने बोला चलो अब तो बंदे मार लूंगा, पर मेरे साथ हो गया मिरेकल। मैं जैसे ही बंदे मारने के लिए उतरा ही था, सामने से बंदा आ गया मैक 7 लेके, और मैंने जैसे उस पर फायर किया उसने मेरे को कर दिया नॉक। ठीक है, अब पहले तो पता ही नहीं था कि वी बैज वाले यूट्यूबर्स है, तो मैंने बोला चलो नॉक हो गया कोई बात नहीं। मैंने अपने टीममेट्स को बोला जाओ यार रिवाइव ही कर दो, तो वो चले गए रिवाइव करने। अब रिवाइव करते करते मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था यार क्या होगा, ऋतिक स्टार है कि असली है नकली है, मैं अपने दोस्तों से ही पूछ रहा था। तो मैं रिवाइव हो गया। अब रिवाइव करते करते जब मैं नीचे उतर रहा था मैंने क्या देखा, यूजी गोकू यानी आयुष अपना, ठीक है छपरी, ठीक है। तो वो गेम में वी बैच, ठीक है, कोई नकली वकली कुछ नहीं था, तो मैंने सोच लिया मारना तो है ही। तो उतरते हैं, मैंने फटाफट उतरते मेरे को मेरी फेवरेट गन AK मिल गई, M1887 मिल गई, मैंने अच्छे से लूट कर ली। दोस्तों को बोला चलो यार कैंप नहीं करना, फुल मार के खेलना, ठीक है, पर वो बोल रहे थे कैंप। तभी मेरे को एक और चीज़ दिखती है, क्या ये देखो गाय तोंडे, यानी दो वी बैज वाले मेरे उसमें लॉबी में मतलब गेम में आ चुके हैं, ठीक है। अब ऋतिक स्टार, गाय तोंडे और आयुष तीनों मेरी लॉबी में है और मेरे को उनको मारना है। तो तभी मेरी टीममेट्स पे फायरिंग होने लग जाती है, मेरे दोनों टीममेट्स नॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास AK, तो AK से तो मैं किसी से नहीं डरता, सीधा मारने लग जाता हूँ। अब मैंने मारा एक नॉक, एक और आ रहा था सामने से, अब मैंने उसको भी हेडशॉट से नॉक कर दिया, 152 का उसका हेडशॉट पड़ा, ये देखो 152 का हेडशॉट, ये भी ख़त्म। उसके बाद पीछे से एक और भागता हुआ आ रहा था, उसको भी मैंने इनको ड्रैग दे दिया, वो भी नॉक, तीनों नॉक हो गए। मैंने अपना एक टीममेट रिवाइव कर दिया, एक टीममेट पूरा ख़त्म हो चुका था। अब टीममेट ख़त्म, अब मैंने इन दो तीनों को देखने चला गया क्या लूट है, लूट वूट देखने चला गया। तभी मेरे को एक पीछे से बंदा दिख जाता है, अभी देखना दिखेगा इसमें, पहले तो मैं इन दो तीनों को थोड़ा मज़े ले रहा हूँ क्योंकि तीनों इकट्ठे नॉक हो गए, मज़े लेने बनते हैं। तो देखा, वो देखो सामने से एक बंदा जा रहा था, मैं इसके पीछे पीछे जा रहा, मैंने बोला इसको हो सकता है इस टीम का लास्ट बंदा हो। तो मैं गया, गया जाते ही देखा वो गायब हो गया, मतलब कहीं दिखा ही नहीं। तो मेरे टीममेट्स कहते हो घर वर के अंदर होगा, मैंने बोला जाके देख लो तुम। तभी मेरे को एकदम से मैं थोड़ा आगे गया तो देखा कि साइड में बंदा हो रहा है रिवाइव, तो मैं उस साइड चला गया। जैसे ही देखो ये बंदा हो रहा है रिवाइव, मैं उस साइड चला गया। अब उस साइड जाते हुए जाते जाते फिर वही लगा कि ये कहीं गाय तोंडे की स्क्वाड तो नहीं है वगैरह वगैरह, यही दिमाग में चल रहा था। तभी नीचे एक और किल फीड आ जाता है कि गाय तोंडे ने मार दिया ऑग से किसी को, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो है नहीं गाय तोंडे, वरना आ जाती फायरिंग की आवाज़। जो बंदा रिवाइव कर रहा था उसको तो आराम से ट्रैक पड़ गया, वो डायरेक्ट ख़त्म हो गया, यानी ये उसी स्क्वाड का था, ये स्क्वाड पूरी मैंने खा ली। अब एक बंदा नीचे से इसको फायर कर रहा था, तो मैंने अपने टीममेट्स को बोला तुम उसको देखो, मैं ज़रा पीछे देख कर आता हूँ कि कोई तीसरी थर्ड पार्टी तो नहीं आ रही। और क्या हुआ, जैसे ही मैं बाहर निकला मेरे को पीछे से पड़ी शायद से M14 थी उसके पास या फिर M60, ठीक है। तो मैंने स्पॉट कर लिया था, तो अपने टीममेट्स को रिवाइव भी करना, तो मैंने बोला तो इतने रिवाइव कर, मैं ज़रा इस वाली स्क्वाड को देखता हूँ, ठीक है। तो मैं बाहर निकल के जैसे ही निकला तो एक बंदे को मैंने काफ़ी डैमेज दे चुका था, ठीक है, तो वो तो बाहर निकला नहीं। तो एक बंदा वो वुकोंग बन के जा रहा था, उसको मैंने डैमेज करके वुकोंग खोला और उसको मारने की कोशिश करी, तो वो पागल सा बाहर ही आ गया, मतलब नूब जैसी हरकतें करते हैं ना जैसे टीममेट्स में, वो बाहर ही आ गया, मैंने उसको डायरेक्ट हेडशॉट दे दिया, ठीक है, वो पूरा क्लियर हो गया। अब मेरे को बचे थे मेरे हिसाब से दो बंदे उधर, एक तो गाड़ी के पीछे था और एक वो उधर पेट्रोल पम्प के पास था, ठीक है। तो अब मैंने बोला जा तो फटाफट रिवाइव कर मैं देखता हूँ, तो इधर गया मैंने रश कर लिया। अब मेरे पास था वो फ्रीजिंग वाली एक नया ग्रेनेड आया ना, पता नहीं कहाँ से मिल गया, मैंने वो फेंक दिया, ठीक है। अब उसकी मेरे पास तो उसके पास मेडिकेट ही नहीं थी, ठीक है, उसकी HP वैसी लो हो गई, मैंने एक गोली मारी M1887 की, नॉक हो गया वो।
ठीक है चलो नॉक हो गया, मैंने इसको पूरा खा लिया। ठीक है अब साइड बाय साइड वो रिवाइव हो रहा था तो मैंने बोला चलो मैं भी मजे ले लेता हूँ इससे अच्छे से। उसने क्रोनो लगा के मेरे को काफ़ी अच्छा डैमेज दे दिया क्योंकि मेरे पास वेस्ट नहीं थी, तो मैंने बोला रश ही कर देता हूँ, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। ठीक है तो मैंने कर दिया रश। अब जोन तो आ ही चुका था, अब वो भी उसको भी निकलना जरूरी था। मेरे को लगा वो इस साइड से निकलेगा, वो इस साइड से आया नहीं, उस साइड से देखा उस साइड से नहीं आया, फिर दोबारा पीछे देखा वो उस साइड से ही आ गया। मैंने वॉल लगाई, एक गोली मारी M1887 के, उसके बाद एक स्प्रे दे दिया, ये नॉक हो गया। ठीक है मेरी इसने काफ़ी HP खा ली थी क्योंकि वेस्ट दी थी तो बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है चाहे कोई भी गन हो। तो अब इसके बाद हम चले गए, मेरे को एक मिली लड़की, ये शायद नूब थी क्योंकि इसके पास कपड़े ऐसे थे, मैंने इसको दे दिया स्प्रे। भूकंप बन के भागने की कोशिश करी पर भूकंप की तोड़ के ख़त्म। ये वाली शिशु, ये शिनचैन थी शायद, हाँ शिनचैन, ये शिनचैन मर गई। अब हम आगे जा रहे तो मैंने एक स्पॉट कर ली स्क्वाड सीमेंटेड पे। ठीक है तो मैंने सबको बुला लिया, बोलते आ जाओ आ जाओ। मैंने बोला कि जब ये बाहर निकलेंगे ना तब फायर करेंगे, तो तभी जो क्या होता है मैं जब देख रहा होता हूँ तो इसका ना एक बंदा, एक नहीं तीन बंदे थे एक्चुअली में उधर, तो इसका एक बंदा ना ऊपर से नीचे कूद जाता है, तो मैं उसको ना स्प्रे दे देता हूँ। लेकिन वो ना देखो स्प्रे दे दिया मैंने, लेकिन वो क्रोनो लगा देता है तो वो क्रोनो के चक्कर में बच जाता है, वरना उसको आराम से हम खा सकते थे, वो पीछे निकल गया। ठीक है अब उसका एक टीममेट कूद के पीछे से भाग रहा था, मैंने देख लिया था। ठीक है तो मैं उसकी तरफ भागा, अब जैसे ही मैंने उसको स्प्रे दिया रिकॉइल कंट्रोल करने की कोशिश में, मैंने स्कोप हटाया, उसने इतनी देर में क्रोनो लगा दिया। अब क्रोनो तो लगा ही दिया, अब तो मार नहीं सकते, अब वो चला गया आगे। तो मैंने सोचा वो आगे से ज़रूर जोन में आने की कोशिश करेगा, तो मैं एक काम करता हूँ जोन कवर कर लेता हूँ। तो मैं भागा जोन की तरफ भागा, अब जाते जाते मैं ढूंढ ही रहा था उसको कि कहाँ है वो बंदा, कहाँ है बंदा दिख जाए, क्योंकि अब मर जाएगा तो आसानी हमको ही होगी क्योंकि पीछे से फायर नहीं होगा, और ऊपर से लॉबी भी इतनी अच्छी आई थी, तो मैंने बोला जाके मारना ही मारना है। तो तभी मैं क्या देखता हूँ कि ये ना पीछे से वो एनिमी आ रहा होता है। ठीक है अब आते आते वो क्या करता है, वो यूज़ कर लेता है लॉन्च पैड, अब लॉन्च पैड से उड़ के चला जाता है। अब ये चला तो गया ही, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, फायर हल्की सी करने की कोशिश करी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं अब आगे चला जाता हूँ। अब आगे जाते जाते अब मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि एक बंदा जो है आते ही सामने पीछे से लेट जाता है। अब पता नहीं भाई इस बंदे के दिमाग में क्या था, मुझे पता नहीं था ये कौन है, मैंने इसको फायर, इसने ग्लू वॉल कुछ नहीं लगाई, अखंड नूब। पता चला ये कौन है, ऋतिक स्टार, ये देखो गाइस ये है ऋतिक स्टार। चलो इसको ख़त्म कर दिया, अब क्यों अब जोन में जो है वो रिवाइवल क्या बोलते हैं वो वेंडिंग मशीन है तो वो रिवाइव हो जाएगा, मुझे पूरा पता था। ठीक है तो हमने यहाँ पे लूट कर लिया, और इसकी स्क्वाड ऊपर से शायद ये उसी की स्क्वाड है जो ऊपर से नीचे आ रही थी क्योंकि ये भी उसी साइड से आ रहा था। ठीक है तो अच्छे से लूट वूट, क्योंकि लास्ट जोन है ग्लू वॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है तो अच्छे से लूट वूट कर ली और हम जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है क्योंकि जोन कुछ ज़्यादा ही अजीब सा आया है, एकदम सारी जगह घर ही घर है, तो कोई भी बंदा कहीं पे भी कैंप करके हमको मार सकता था, तो हम सोचा कि खुले में ही कवर ऐसी जगह लेते हैं जहाँ पीछे से पड़े ना। ठीक है तो हम ढूंढ रहे कि बंदे कहाँ, स्पॉट करने की कोशिश कर रहे, लेकिन सिर्फ फायरिंग की साउंड आ रही लेकिन बंदे नहीं दिख रहे कहीं पे भी नहीं दिख रहे। ठीक है और मेरे हिसाब से बंदे रिवाइव हो जा रहे थे, अलाइव में देखा था कि कम भी हो रहे थे, उस हिसाब से बढ़ भी रहे थे। ठीक है तो अब हम घूमते 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 ढूंढ रहे कहाँ गए बंदे, तो मैंने बोला चलो जोन में चलते हैं, वॉल भी बहुत है आराम से जोन में पहुँच जाएंगे। तो मेरा टीममेट बोलता है एक काम कर गैराज में आ जा, कोई नहीं है, तो मैंने बोला चल अच्छा गैराज में चलते हैं, कोई बात नहीं मेरे पास वॉल बहुत है। तो मैं चला गया गैराज की साइड, अब गैराज के साइड से पड़े मुझे बंदों ने मारी, मुझे एक के पता नहीं क्या मारी, और ये शायद थी गाय तोंडे ने मारा था। ठीक है अब मेरा एक बंदा नॉक हो गया और दूसरे बंदे की हेल्थ बहुत कम, अब क्या होता है दूसरा बंदा भी मेरा हो जाता है M10 से नॉक। ठीक है मैं देते था दोनों को, मतलब ये गाय तोंडे था मुझे नहीं पता था, ये गोकू था मुझे नहीं पता था, मैंने मार दिया गोकू को। ठीक है मतलब आयुष अपना, अब मैंने आयुष को तो ख़त्म कर दिया, अब दो बंदे मेरे नॉक, मैं सोचूं रिवाइव करूं या ना करूं, पर मैं चला गया रिवाइव करने क्योंकि एक बंदा तो ख़त्म हो ही चुका, मैंने एक को कर दिया रिवाइव। ठीक है अब एक को कर दिया रिवाइव, अब बचा था गाय तोंडे, आई थिंक सो गाय तोंडे और ऋतिक स्टार रिवाइव हो चुका था, ये दोनों अंदर ही थे, ये दोनों वही है। ठीक है मैंने इनको अच्छे से दोनों को हेड दे दिया था, इनकी HP काफ़ी लो हो चुकी थी। ठीक है तो मैंने सोचा ग्रेनेड कर दे, तो लेकिन उनमें भी अच्छा खासा दिमाग IQ कहते हैं जिसे, उन्होंने क्या कर दिया लगा दी वॉल। ठीक है मैंने बोला तू जाके रश कर मैं तेरे को कवर देता हूँ, तो ये जाके इसने रश कर दिया और शायद ऋतिक को नॉक कर दिया था।
ठीक है, तो मैंने इसको पीछे से स्प्रे दे रहा, ये स्प्रे दिए जा रहा, ये गाय तो अंधे था ठीक है, और मुझे पता नहीं था ठीक है, मैंने अच्छे से स्प्रे दिए जा रहा और इसको लग गया गलती से हेड, और ये ख़त्म हो चुका है। देखो यहाँ पे एक हेड लगा था इसको, और ये गाय तोंडे की पूरी स्क्वाड ख़त्म। मैंने इमोट दिखा दिया कसम से, बहुत सही मज़ा आया था। अब मैंने तीनों को मारने के बाद मैंने हक दिया, यहाँ पे मेरे को निकालनी चाहिए थी M1887, मैंने निकाली एक हेड भी मारा तब भी मैं नॉक हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं नॉक हो गया कोई बात नहीं, दोबारा मेरे बंदे ने मेरे को रिवाइव किया ठीक है। पर मेरा दिमाग तो देखो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ रखा था, मैं जोन के अंदर वुकोंग लगा के मेडिकेट लगा रहा हूँ, वो भी लास्ट जोन जिसमें इतना ज़्यादा डैमेज पड़ता है। चलो ठीक है, मैंने कर दी हरकतें। अब कहते हैं ना, जब जिसकी मौत आनी होती है आ ही जाती है। अब उस बंदे का हो गया विंडो वाला ग्लिच कि विंडो के आर पर कूद ही नहीं पा रहा। अब वो आया मुझे बचाने, बाहर से उसका रिवाइव वाला जोन ना आ रहा, और क्या बोलते हैं, यहाँ से अंदर आ नहीं पाया, मैं मर गया। अब मैंने बोला चल कोई बात नहीं, जिसको मारना था वो तो मर गया, अब कोई बात नहीं। अभी इसने बोला नहीं रुक रुक भूया कर दिलाता हूँ, तो ठीक है। अब काफ़ी बंदे बचे थे, पाँच एक स्क्वाड तो बची थी ठीक है, तो इसने रश करने की कोशिश करी, मारने की कोशिश करी, तो इसने कर दिया एक बंदा नॉक ठीक है, वॉल लगा दी ठीक है। अब एक बंदा नॉक कर दिया, अब उसके बाद एक और बंदे को नॉक करने की कोशिश में, ये वही बंदा था जिसने मेरे को मारा था मैक्स 7 से स्टार्टिंग में, इसने इसको भी खा लिया ठीक है। अब पीछे से पड़ गई इसको, मैच ख़त्म। लेकिन कसम से कह रहा हूँ, तीनों को मार के मज़ा आ गया, तीनों को मैंने मारा मज़ा आ गया। चलो यहाँ पे मैच ख़त्म होता है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।